नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चींटियों का ये उपाय है, ये एक दिन में ही आप इसका फर्क देखेंगे, क्योंकि इतना पावरफुल उपाय है दोस्तों ये चींटियों वाला। जो काली चींटी होती है दोस्तों, इसमें सिर्फ ये काली चींटी नहीं है, इनमें दोस्तों ग्रहों की भी कुछ शक्तियां होती हैं, ग्रहों को कंट्रोल करने की। यानी कि इन चींटियों में राहु, केतु और शनि, इनके साथ साथ में अदृश्य शक्तियों का भी कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं का भी वास होता है। यदि इनको प्रसन्न कर लिया जाए तो ये अदृश्य शक्तियां, ये बहुत जल्दी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी जिंदगी में प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, ये नेगेटिविटी टोटल हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती है, और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी में इतना प्रभावित करती है, इतना प्रभाव डालती है कि हमारी जो परेशानियां जिंदगी में चल रही हैं वो सेकंडों में दूर हो जाती हैं। एक बार बस दोस्तों इस उपाय को कर लेंगे आप, तो उसके बाद में आप फिर दोहरा सकते हैं, लेकिन एक बार में ही आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों काली चींटियां जो होती हैं, ये बहुत ही समझदार होती हैं। जैसे हम इंसान एक समाज में रहते हैं, वैसे ये जमीन के अंदर भले रहती हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर कॉलोनियां बना के रहती हैं, और इनका एक मुखिया भी होता है। और दोस्तों ये साल भर का दाना पानी सब अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, और कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कि इंसान अपना जो साल भर का दाना पानी स्टोर करता है, ये सब चीजें चींटियों से ही सीखा है। यानी कि चींटी कहीं ना कहीं हमारी गुरु है, कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और चींटियां दोस्तों अपने से दोगुना तिगुना वजन उठा करके आगे बढ़ती है, एक बार गिरेगी लेकिन फिर आगे बढ़ती है। यानी चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये सब तो बात ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके साथ में यदि इनके कुछ उपाय किए जाए तो बहुत जल्दी, यानी कि एक दिन में ही हमें रिजल्ट देने लगते हैं। और उपाय दोस्तों आपने किया, आपको कोई फर्क नहीं मिल रहा, लेकिन इस उपाय को आप करेंगे तो चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार इस उपाय को एक दिन जरूर करिए, और थोड़ा सा भी रिजल्ट आपको मिलता है तो आप इसी उपाय को दोहरा सकते हैं। दोस्तों एक बात आपने खुद नोटिस की होगी कि काली चींटी आपको बहुत ही कम नजर आएंगी, यानी काली चींटी आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र जगहों में ही दिखाई देंगी। जैसे कि आप पीपल वृक्ष में देख सकते हैं, या फिर बरगद वृक्ष में देख सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में देख सकते हैं, शिवालय में देख सकते हैं। और ये लाल चींटी आपको हर जगह दिख जाएंगी, लेकिन काली चींटी आपको बहुत ही कम दिखाई देंगी। और दोस्तों एक बड़ी वाली जो काली चींटी होती है, इनमें कुछ खास शक्तियां होती हैं, बहुत ही खास शक्तियां होती हैं। तो आप इनका एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनका प्रयोग आप कर लेंगे तो आपके शनि, यदि आप शनि से पीड़ित हैं, शनि की बुरी दशाएं चल रही हैं, राहु की दशाएं चल रही हैं, राहु आपको प्रभावित कर रहा है, या फिर केतु की बुरी दशाएं चल रही हैं, तो ये तीनों भी एक दिन में ही कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि इनका यदि दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, धन नहीं रुक रहा है, बरकत नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में ए टू जेड कोई भी परेशानी है, अब बस वैसे इंटेंशन रख के, अपने मन में विचार रख के कि आपको परेशानी है क्या, आपको कर्ज की समस्या है, या जो भी परेशानी है, उस परेशानी को मन में रखते हुए इस उपाय को आपको किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही खास टोटका है दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक टोटका है, जबरदस्त रिजल्ट देता है। एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में दे ही देता है इसका रिजल्ट। मैं तो दोस्तों कह रहा हूं कि आप एक बार इस उपाय को करें, एक मनोकामना के लिए करें। अगर आपकी वो मनोकामना दो तीन दिन में पूर्ण हो जाती है तो चार पांच दिन रुक करके फिर इस प्रयोग को आप दोहरा दें, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों इनमें कुछ शक्तियां होती हैं, सिर्फ काली चींटी दोस्तों, बड़ी वाली काली चींटी या फिर छोटी वाली काली चींटी, आपको लाल चींटी के ऊपर कुछ प्रयोग नहीं करना है। जहां भी आपको, वैसे आप मंदिर जाएं या पीपल वृक्ष में जाएंगे या बरगद वृक्ष में जाएंगे, तो आपको आसानी से चींटियां आपको मिल जाएंगी। तो आपको दोस्तों प्रयोग ये करना है, आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको नहा धोकर के करना है, आपको साफ स्वच्छ होकर के करना है। तो आप सबसे पहले एक नारियल का गोला ले लेंगे, आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, आपको सूखा नारियल ही लेना है। सूखा नारियल दोस्तों, सूखा नारियल का जो गोला निकलता है, यानी कि आप नारियल पूरा फोड़ देंगे तो जो गोला निकलेगा उस पे आपको इस प्रयोग को करना है। तो सबसे पहले जो नारियल का गोला होगा उसकी जो नोक होती है, जो सबसे ऊपर आप देखेंगे एक छोटी सी नोक दिखाई देगी, तो वहां से छोटा सा उसका गोला, उसका कैप साइज में आप उसको वहां से कट कर लेंगे। इतना करने के बाद में दोस्तों
आप जो घर में यूज करते हैं, आपको अलग से चीनी नहीं लेनी है, जो घर में आप उपयोग में लाते हैं, जो आपके डिब्बे वगैरह में जो रखी होंगी, जिसको आप डेली यूज में लेते हैं, वाली चीनी आप ले लें। आप डायरेक्ट भी चीनी भर सकते हैं या उस चीनी का बूरा बना लें। अगर बूरा बना लेंगे तो बेस्ट रहेगा, यदि नहीं बना पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप उसको भर सकते हैं। तो उसमें आपको पूरी पैक कर देना है, पूरा ऊपर तक आपको भर देना है। अब इतना करने के बाद में जो आपने कैप जो नारियल का आपने अलग किया था, वो नारियल आप फिर से उसी में ज्वाइंट कर देंगे और एक लाल कलावा ले लेंगे, यानी कि रेशमी धागा ले लेंगे आप, और इसको पूरा लपेट देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे। इतना करने के बाद में आपको इस नारियल को किसी ऐसे स्थान में लेकर के जाना है जहां पर कि चींटियां हों। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको पीपल वृक्ष देखना है, कि पीपल वृक्ष में जहां पर काली चींटी या बड़ी वाली काली चींटी हो, यह आपको ध्यान देना है। पीपल वृक्ष में आपको पहले यह देख लेना है, ये कोई पीपल वृक्ष हो जहां पे बड़ी वाली काली चींटी हो, या बड़ी वाली या छोटी वाली कोई सी भी हो, काली चींटी हो, ऐसा आपको देखना है, कोई पीपल वृक्ष देख लेना है, क्योंकि ये प्रयोग पीपल वृक्ष के नीचे ही करना है। अगर पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आपको कोई पीपल वृक्ष ऐसा आप पहले देख लें कि जहां पे काली चींटी हो, बड़ी वाली काली चींटी हो तो और अच्छी बात है, छोटी वाली हो तो भी चल जाएगा। तो आपको ये पीपल वृक्ष के पास में जा करके, और इस जो आपने नारियल का ये गोला जो बूरा भर के जो बनाया था, इसको वहां पे आपको रख देना है, और वहीं पे खड़े खड़े आपको कम से कम 5 मिनट तक हाथ जोड़ करके अपना जो जो भी आपको सुख शांति, धन में वृद्धि, नौकरी, व्यवसाय, कर्ज से मुक्ति, जो भी आपकी मनोकामना है, एक मनोकामना रखेंगे दोस्तों। ये नहीं कि आपने एक ही बार में पूरी मनोकामनाएं बोल दी, आपको पहले प्रयोग में सिर्फ एक कोई भी आपकी जो मनोकामना है, आपको कोई भी हो सकती है आपकी, जो बहुत दिन से रुका हुआ काम है, या कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, या फिर धन की आवक नहीं है, बरकत नहीं है, या जो भी आपकी परेशानी है, ए टू जेड कोई भी परेशानी है, कोई एक मनोकामना रखेंगे, वो मनोकामना को 5 मिनट तक वहां पे विनती करते रहेंगे खड़े हुए हाथ जोड़ के। उसके बाद में पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। दोस्तों याद रहे कि आपको पलट के नहीं देखना है, जब ये वापस करके आप ये प्रयोग करके वापस आएंगे, वहां से लौटेंगे, तो आपको पलट के नहीं देखना है। आप देखेंगे कि आपको एक दो दिन में इसका कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने आप से ही महसूस होने लगेगा कि हाँ कुछ फर्क पड़ रहा है। और जैसे ही आपका एक कार्य पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में आप 4-5 दिन रुक करके दोबारा इसी प्रयोग को दोहरा सकते हैं। दोबारा इस प्रयोग को करेंगे तो अपनी दूसरी मनोकामना रख लेंगे। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए कर सकते हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए मनोकामना रख लेंगे मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगे, ये प्रयोग कर सकते हैं आप। और दोस्तों इसी के साथ में एक प्रयोग मैं और आपको बता रहा हूं, यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है, शुक्रवार से आपको शुरू करना है। आपको लेना है चावल के दाने साबुत, और 1 चम्मच आपको घी लेना है शुद्ध घी, और आपको 1 चम्मच ही चीनी शक्कर लेनी है। तो आप घी थोड़ा सा गर्म करेंगे, चावल उसमें डालेंगे, चावल उसमें गर्म हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसमें शक्कर छोड़ देंगे, और जब शक्कर उसमें पूरी मिक्स हो जाए तो उसको नीचे उतार लेंगे, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो अब इसको आप पूजा स्थान में बैठ करके, और आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है, 108 बार एक मंत्र पढ़ना है आपको। ओम नगन चीटी महावीर, मैं पूरूं तोरी आस, तू पूरे मोरी आस। ये मंत्र का 108 बार जाप करके जो काली चीटियां होंगी वहां पर इसको आप रख के आ जाएंगे। ये आपको लगातार 7 शुक्रवार करना है, बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये प्रयोग सिर्फ नौकरी के लिए है, अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है तो ये सिर्फ उसी के लिए, पहला वाला प्रयोग हर मनोकामना के लिए है, लेकिन ये दूसरा प्रयोग आपको नौकरी प्राप्ति के लिए है। तो आपको 7 शुक्रवार कंप्लीट करने हैं इसको। वैसे भी फर्स्ट वाला प्रयोग मैंने बताया वो भी नौकरी प्राप्ति के लिए मनोकामना, वो दोस्तों हर चीज के लिए, हर प्रयोग के, हर मनोकामना के लिए है। आप करेंगे तो आपको खुद से ही महसूस होगा, पहले दिन से ही आपको महसूस होने लगेगा कितना जबरदस्त टूटका है दोस्तों ये। आप करके देखिए और इसका लाभ प्राप्त करिए, अपनी जिंदगी में देखेंगे परिवर्तन आता है, वो खुद देखेंगे आप। काली चींटी में एक शक्तियां होती हैं दोस्तों, एक सकारात्मक पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, और ये नेगेटिविटी को टोटल दूर कर देती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।